और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। चीन में कोरोना के कोहराम के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोरोना के हालात के ऊपर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कुछ ही वक्त में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में प्रधानमंत्री होंगे शामिल। इस दौरान प्रधानमंत्री कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। नया वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है, इसके उपायों के ऊपर भी होगी चर्चा। साथ ही अगर देश में मरीजों की संख्या बढ़ी तो फिर भारत सरकार और राज्य सरकारें कितनी तैयार हैं, इस पर भी मंथन किया जाएगा। कोरोना के हालात पर संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जवाब दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, वक्त के साथ अपना स्वरूप बदल रहा है। इसे देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार ने विदेश से होने वाले हवाई यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी है। मांडविया ने कोविड का प्रिकॉशन डोज लगवाने के अलावा अब भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। कोरोना के बढ़ने की आशंका के बीच संसद में राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष मास्क में दिखाई दिए। ओम बिरला ने सांसदों से मास्क पहनने की अपील की, साथ ही कोविड से सतर्क रहने के लिए भी कहा। ओम बिरला ने सांसदों से इस समय जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान करने की अपील की है। हालांकि आज दोनों सदनों के सांसद मास्क पहने नजर आए। कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के ऊपर भारत की राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। कर्नाटक सरकार ने आज से एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग का फैसला लिया है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के हालात पर अधिकारियों के साथ बैठक की। गुजरात के सीएम भी कोरोना पर कैबिनेट मीटिंग करने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कोरोना के हालात के ऊपर बैठक करने वाले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री ने जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू करने का निर्देश दे दिया है। बड़े शहरों में कोरोना के स्पेशल वार्ड को शुरू किया गया है। अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में 56 बेड, राजकोट में 100, वडोदरा में 75 बेड के वार्ड शुरू किए गए। कोरोना की किलर रफ्तार के बीच दिल्ली से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। सदर बाजार इलाके में मार्केट में लोगों की भीड़ दिखाई दी है। क्रिसमस के मद्देनजर बाजार में भारी संख्या में लोग खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। इसके साथ ही बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा। चीन में कोरोना से आकार मचा हुआ है। नए केस में लगातार इजाफा हो रहा है। हालात इतने खराब हैं कि अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी हैं, डॉक्टर्स की कमी है। बद इंतजामी का हालत यह है कि अस्पतालों में भारी भीड़ है। तस्वीर चीन के बेंजाब की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां अस्पताल में कोरोना के मरीजों की भारी भीड़ जमा हो गई है, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा। चीन में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। वहां की सरकार ने पहले जीरो कोविड पॉलिसी पर सख्ती बरती, अब एक बेतुका फरमान जारी कर दिया है। कोविड मरीजों को चीन की सरकार ने काम पर जाने का ऑर्डर दे दिया है। चीनी सरकार के ऑर्डर के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद लोगों से घर पर नहीं रुकने को कहा गया। चीन में कोरोना का विस्फोट हुआ है, लेकिन वो आंकड़े छिपाने से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में अब WHO चीफ ने भी चीन से कोविड 19 के आंकड़े शेयर करने के लिए कहा है, ताकि इस महामारी का असली वजह ठीक से सामने आ पाए। WHO चीफ ने चीन से अपील की है कि वो सही आंकड़े जारी करे, ताकि इस महामारी की जड़ तक पहुंचने के साथ ही भविष्य की महामारियों से भी बचा जा सके। बिहार के छपरा में जहरीली शराब को लेकर के पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिसकर्मी अलग अलग इलाके में छापामारी कर रहे हैं, जिसके लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। और इसी कड़ी में पुलिस ने छपरा के कांची इलाके में भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की है। इसके साथ ही मौके से दो तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है। पंजाब के फिरोजपुर में भारत और पाकिस्तान सीमा पर आज ड्रोन दिखाई दिया, जिसके बाद BSF के जवानों ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। फिर से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कल भी अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान से आए ड्रोन को मार गिराया गया था। इसके साथ ही ड्रोन से 4 किलो ड्रग्स भी बरामद किया गया था। दिल्ली के बदरपुर में 3 बदमाशों ने मिलकर एक लड़के की चाकू गोद कर हत्या कर दी। इस पूरी वारदात का CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है बदमाशों ने लड़के पर एक के बाद एक कई बार किए। हैरानी की बात यह है कि वारदात के वक्त मौके पर काफी भीड़ मौजूद थी, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वहां पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में आरोपी पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटता हुआ दिखाई दिया। आरोप यह कि तेल डलवाने के बाद जब पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने पैसे मांगे तो फिर उसकी पिटाई कर दी गई। मारपीट में 5 कर्मचारियों को चोट आई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक बिल्डर के साथ मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि करीब 10 बदमाशों ने लोहे की रॉड और डंडे से बिल्डर की जमकर पिटाई कर दी। वारदात टिटवाला इलाके की है, जहां पर ढाबे पर खाना खाने के दौरान पुरानी रंजिश में बिल्डर के साथ मारपीट हो गई। वहां लगे CCTV कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया।
जयपुर में बड़ा हादसा टल गया है। स्टेशन पर सेना की ट्रेन खड़ी थी, जिसमें अचानक आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। आग में सैनिक के जवान का सामान जल करके पूरी तरह खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत दमकल की टीम मौके पर पहुंची। समय रहते आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ जवानों की मुस्तैदी के बीच एक यात्री की जान बच गई। एयरपोर्ट पर अचानक यात्री को हार्ट अटैक आया, वो जमीन पर गिर गया, जिसके बाद सीआईएसएफ के 3 से 4 जवान भागकर तुरंत उसके पास पहुंचे। सीपीआर ट्रीटमेंट देकर के उसकी जान बचाई गई। सोशल मीडिया में इस वीडियो को लेकर के जवानों की तारीफ कर रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के महोबा में रोडवेज की बस में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। आग इतनी तेज थी कि दूर तक इसकी लपटें उठती हुई दिखाई दी। इस बस में 15 से ज्यादा यात्री सवार थे। बताया ये जा रहा है हमीरपुर से महोबा आने के दौरान इसमें आग लग गई। गनीमत यह रही कि वक्त रहते सभी यात्री बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए, जिसके बाद उनकी जान बच गई। उधर बस में आग लगने की जानकारी फिलहाल किस वजह से आग लगी नहीं मिल पाई। रूस से जंग के बीच अमेरिका पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का संसद में भव्य स्वागत किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से व्हाइट हाउस में बाइडेन से मुलाकात की। रूस से जंग के हालात के ऊपर चर्चा हुई और इस दौरान जेलेंस्की ने बाइडेन को यूक्रेन के एक सैनिक का लेटर और मेडल भी सौंपा। उधर अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट तकनीक समेत बड़ी सैन्य मदद देने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान में विश्वविद्यालय में महिलाओं के पढ़ने पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। तालिबान ने एक बयान जारी किया था, जिसमें महिलाओं को विश्वविद्यालयों में पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी, जिसका विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने भी विरोध जताया था, महिलाओं का समर्थन किया था। उधर शिक्षकों ने महिलाओं का समर्थन करते हुए प्रदर्शन किया और इस्तीफा दे दिया। कोलंबिया के कैरेबियन शहर बैरेंकुला में एक फ्यूल टैंक में विस्फोट होने से दहशत मच गई। इस भीषण धमाके के बाद फ्यूल टैंक से आग की तेज लपटें उठने लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन झुलसने से एक दमकल कर्मी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मी फ्यूल टैंक में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।